नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और कैसा टाइम बीत रहा है आपके घर पर? क्या आप लोग सुरक्षित हैं? क्या आप लोग घर के अंदर हैं? क्या आपने अपने आप को घर के अंदर कैद कर लिया है? क्या आप इतने काबिल हैं कि स्वयं को बिना किसी कारण से क्वारंटाइन कर सकते हैं या फिर आइसोलेट कर सकते हैं? दोस्तों, ये जो समय है नोवल कोरोना वायरस से संकटमय परिस्थितियों से घिरा हुआ जो समय है, इसमें सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इसके सिम्टम्स जो हैं वो इतने कॉमन हैं, इतने साधारण से हैं कि लगता ही नहीं है कि हमें कोई रोग भी हुआ होगा। किसी को नहीं मालूम जब तक कि उसके बहुत प्रॉपर सिम्टम्स सामने ना आ जाएं। नॉर्मली किसी व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि वो इस वायरस के द्वारा इफेक्टेड है। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी देने आए हैं। हालांकि ये जानकारी देना आपको कि ये वायरस क्या है, ये अपने आप में एक प्रकार की नाइंसाफी होगी, क्योंकि इतना प्रचार भारत सरकार की तरफ से हो चुका है, उसके बाद अब मुझे आपको जानकारी देने की कोई खास जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी एक नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए और आपको आपकी नैतिक जिम्मेदारी समझाते हुए, ये एक प्रयास है हमारे इस यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मेंटर का। तो आगे की चर्चा में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप इस ये जो अपने घरों में आप कैद हो गए हैं, ये सदुपयोगी समय हो सकता है या आपके लिए विपरीत परिस्थितियां हैं। अगर विपरीत परिस्थितियां हैं तो इसको कैसे सदुपयोग में बदला जाए, इसके बारे में 2 मिनट चर्चा करेंगे हम लोग। बस ज्यादा लंबा मैं आपको ये बातें नहीं बताऊंगा, पर बहुत शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको कुछ बताऊं, हमारे इस सिलेक्शन मेंटर के चैनल पे बहुत सारे लोगों ने अपने करियर को बनाया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं यहां से सिलेक्शन पाए हैं, खासकर FCI में। तो सभी को उनके लिए शुभकामनाएं। और मैं सिलेक्शन मेंटर चैनल पे विरत दुबे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपको किसी प्रकार के नोटिफिकेशंस मिस ना होने पाए। तो दोस्तों, आज हम लोग बता रहे थे आपको जैसे कि नोवल कोरोना वायरस के बारे में। COVID-19 नाम से इसको कोट किया गया है। कोविड, CO मतलब कोरोना, VI मतलब वायरस, ND मतलब डिजीज। नोवल कोरोना वायरस डिजीज 2019 में आने वाली बीमारी है, जो चाइना के वुहान से स्टार्ट हुई थी। ये सारी जानकारी आप लोगों को पहले से है। लेकिन आखिर कई लोग, आप भारत सरकार की तरफ से अगर देखें, 22 तारीख को हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनकी तरफ से 22 तारीख को संपूर्ण भारत के लोगों से जनता कर्फ्यू लागू करने का रिक्वेस्ट किया गया था, निवेदन किया गया था। और ये बड़े हर्ष की बात है कि सब लोगों ने उसमें साथ भी दिया। लेकिन हर्ष और उल्लास की कुछ लोगों ने सीमाएं पार कर ली। हर्ष उल्लास होना चाहिए था, क्योंकि आप उन सैनिकों को जो डॉक्टर के रूप में लगातार आपको आपकी रक्षा कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं आप सल्यूट कर रहे थे। लेकिन खतरा नहीं टला था, परंतु फिर भी हम लोग सड़क पर उतर आए। ये गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों को कि आप पूरी तरीके से अपने आप को रोक करके रखें, संभाल करके रखें। एक बहुत ही छोटी सी बात है, प्रधानमंत्री जी ने भी अपने इस भाषण में कही थी। शायद आप लोग स्वतंत्र भारत के उस समय में पैदा हुए हैं, हम सब आप सब, जिसमें बहुत विपरीत परिस्थितियां जो हैं वो उतनी नहीं देखने को मिली होंगी
जितनी आजादी से पहले लोगों को देखने को मिली रही होंगी, या फिर सन 1975 में, या फिर जब भी इमरजेंसी भारत में लगी हो तब। शायद आप में से बहुत लोग उस समय नहीं रहे होंगे। तो यह पहला अवसर है जब आपने देखा होगा कि सब कुछ अपनी जगह, जैसे समय स्थिर सा हो गया है, रुक गया है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस नहीं है। सबसे ज्यादा परेशानी तो आप में से उन लोगों को हो रही होगी जो लोग बहिर्मुखी हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं। लोगों से मिलना जुलना, उनके साथ रहना, गप लड़ाना, हमेशा एक दूसरे के साथ कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं टच में रहना जिनकी आदत थी, उनके लिए तो बड़ी विपरीत परिस्थितियां ये। लेकिन सुअवसर उन लोगों के लिए है जो एकांतवासी थे, जो कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ड है। और आज सबको इंट्रोवर्ड बनना पड़ेगा, आपको, हमको, सबको इंट्रोवर्ड बनना पड़ेगा, अंतर्मुखी बनना पड़ेगा। आत्मचिंतन करने का दोस्तों इससे अच्छा समय नहीं आ सकता। एक मजाक सी बात है, हालांकि बहुत ही मजाक की बात है, अक्सर जब किसी से पूछो कि चिंतन करने का सबसे उपयुक्त स्थान क्या है, तो मेरे उत्तर देने से पहले ही आपके दिमाग में बात आ गई होगी कि सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा होता था। ऐसा सन्नाटा तो एक ही जगह मिलता था, लेकिन अब सर्वत्र है, सर्वथा है, सब जगह है। लेकिन उससे भी आश्चर्यजनक बात यह है कि कुछ लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, और ऐसा कहते हुए निकल रहे हैं कि हम गेट के बाहर ही तो हैं, और ऐसा कहते हुए भी निकल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं होगा। दोस्तों, ईश्वर ना करे कि किसी को कुछ हो, आपको कुछ हो, या किसी को भी कुछ हो, लेकिन मैं ये चाहता हूं, ये देश ये चाहता है, इस समाज ये चाहता है, ये विश्व, ये संसार, यहां तक कि यदि अगर ईश्वर भी होंगे तो भी ये कह रहे होंगे, बेटा घर के अंदर रहो, घर से बाहर कदम ना, आप घर से बाहर कदम ना निकालें, किसी कीमत पर ना निकालें। महात्मा बुद्ध ने, महावीर स्वामी ने, और ऐसे तमाम सारे जो विश्व के प्रसिद्ध साधु संत रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत सजग परिस्थितियों में जीने वाले लोग थे। बड़ी सुव्यवस्थित थी इनकी जिंदगी, जैसे 22 तारीख से पहले आपकी थी, राजसी ठाट बाट, कितने सारे लोगों से घिरे हुए। लेकिन उन्हें सफलता कब मिली? गृह त्याग करने पर। आपको गृह त्याग नहीं करना है, वस्तुतः समाज का त्याग करना है। उन्होंने गृह त्याग क्यों किया? समाज का त्याग करने के लिए, शांति पाने के लिए, आत्मचिंतन करने के लिए। इससे उपयुक्त समय नहीं मिलेगा। और ये कितना कठिन रहा होगा उनके लिए भी, ठीक वैसा ही आपके लिए भी है। यह आसान नहीं है घर में बैठना। लोग कई बार कहते हैं कि एकदम अच्छी सी नौकरी मिल जाए जिसमें हमें ज्यादा काम न करना पड़े। इनफैक्ट कुछ लोग कहते हैं हमें काम ही नहीं करना पड़े, बिना काम के पैसे मिल जाए। आज बिना काम के बैठने में कैसा लग रहा है? ऐसी नौकरी करने को मिल जाए थी 12-14 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, तो कैसा लगेगा? उम्मीद है कि नहीं अच्छा लगेगा आपको। अब एक इन सब, आप क्योंकि स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस समय सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो क्या हो रहा है? एक स्टूडेंट को सबसे ज्यादा क्या नुकसान हो रहा है? आप कहेंगे सर एग्जामिनेशन नहीं हो रहे हैं, ये नुकसान हो रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सर हमारा तो कुछ आईएएस के इंटरव्यूज रुक गए, तमाम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रुक गया, तमाम सारे कह सकते हैं कि जहां पर उनको सिलेक्शन पाना था वहां का रुक गया। कोई बात नहीं, ये नुकसान नहीं है। नुकसान क्या है कि जिनका कहीं पर अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, जैसे रेलवे की प्रिपरेशन करने वाले लोग, आरआरबी, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, उम्मीद थी कि मार्च चल रहा है, अप्रैल तक जो आरआरबी एनटीपीसी का टेंडर का जो सारा कार्यक्रम है वो पूरा हो जाएगा, और उसके बाद जल्दी ही एग्जामिनेशन की डेट आएगी। लेकिन टेंडर बढ़ गया कोरोना की वजह से। कोरोना, ये यहां पर लिखा है कोरोना, कोविड, बताऊंगा मैं इसके बारे में। यहां पर एक छोटा सा ग्राफ बनाया हुआ है, इस छोटे से ग्राफ के बारे में मैंने आपको बताऊंगा अभी, लेकिन पहले मुझे सुन लीजिए 2 मिनट। मैं यही कह रहा हूं कि ये जो
ऐसे लोग हैं जिनके मन में ये बात आ गई है अभी कल परसों, गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स बहुत सारी आई, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत तमाम सारे लोगों को रसोई गैस सिलेंडर जो है वो मुफ्त में बांटे जाने शुरू कर दिए गए, प्रधानमंत्री की तमाम सारी ऐसी योजनाएं हैं जैसे कि जो रजिस्टर्ड महिलाएं योजनाबद्ध महिलाएं उनको प्रतिदिन प्रतिमाह 500 रुपए मिलेंगे। आज आरबीआई की तरफ से नोटिस आया, बातें हुई, कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें तमाम सारे रेट जो है वो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, तमाम सारे रेट्स कम कर दिए गए, तमाम सारे जो लोग जिन्होंने लोन ले रखा है उनके लोन की जो ईएमआई है उससे संबंधित कई छूट जो है उसकी घोषणा करी आरबीआई ने, सरकार ने इसकी घोषणा करी। ये सब चीजें तो अपनी जगह है, जो सरकार है ये कर रही है आपके लिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं अपने लिए? दिन भर इधर उधर की कुछ लोग वीडियोस देख रहे हैं, इतनी विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे, जबकि आप स्टूडेंट हैं। मैंने मेरा पे एक फेसबुक अकाउंट है, मैंने उसमें एक हमारा ही कोई शायद शुभचिंतक ही रहा होगा कोई, क्योंकि सभी एक दूसरे के फेसबुक एक दूसरे के शुभचिंतक ही जुड़े रहते हैं, पर आश्चर्य हुआ कि मेरे शुभचिंतकों में से एक ऐसा भी है जो इतनी विपरीत परिस्थितियों में राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा। उत्सुकतावश मैंने उसका प्रोफाइल खोला, आश्चर्य की बात है, हालांकि वो सत्य है या असत्य है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसकी प्रोफाइल में जो उसका डेट ऑफ बर्थ जो अपडेटेड है उसके अकॉर्डिंग अभी अभी इसी मार्च के महीने में वो 18 साल का हुआ है। हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमारे देश में वैसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये सब करने का समय नहीं है मेरे भाई, पढ़ने का समय है, पढ़िए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इनका पढ़ाई में उपयोग करिए, सदुपयोग करिए इनका। और हमारी टीम, हमारी सिलेक्शन मेंटर की टीम, आप लोगों को यही बताने के लिए मैं यहां पर आया हूं कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में जो लोग यहां पर बने हुए हैं उनके लिए हम फिलहाल, आप देख रहे होंगे कि रेलवे के प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं, बहुत जल्द रेलवे के पूरे प्रैक्टिस सेट आपके सामने होंगे। अब तो लगभग लगभग योजनाओं से पता चल रहा है, योजनाएं आ रही हैं, 3 महीने का सरकार 3 महीने के प्रिपरेशन कर रही है, इससे आपको कुछ अंदाजा लगा लेना चाहिए, कुछ अंदाजा आपको लगा लेना चाहिए। ऐसा सर्वथा सत्य ही होगा, पर यह मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी एक समझदार बुद्धि यही कहती है कि 3 महीने का सरकार प्रिपरेशन लेके चल रही है, आपको इससे कुछ सीख लेनी चाहिए। 3-4 महीने में अच्छी तैयारी हो सकती है, अपने आप को बचाएंगे तभी तो तैयारी करेंगे, और बचाने के लिए कदम घर के अंदर रखने होंगे, बाहर नहीं। कदम बाहर, कोरोना अंदर। तो कहने का मतलब यह है, कोरोना से बच के रहें। वुहान से जब शुरू हुआ था, चाइना से जब यह शुरू हुआ था, तो तमाम सारे उसके दूरदर्शी जो प्रांत थे, अमेरिका जैसी महाशक्ति, उसे लगता था कि यहां कहां आएगा कोरोना वायरस, लेकिन आज की डेट में सबसे ज्यादा इफेक्टेड पर्सन उसी के यहां है, चाइना से भी ज्यादा, इटली से भी ज्यादा। क्यों? अहंकार। आपके अंदर भी प्रवृत्ति है तो उसे त्याग दीजिए। देखिए, नोबल कोरोना वायरस जो है उसकी फैलने की अलग अलग स्टेज है। पहली स्टेज जहां पर इस तत्व की, इसके वायरस की संक्रमण जो है किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश मात्र करते हैं। विदेशों से ये वायरस भारत में आया, कैसे आया, हो सकता है कि किसी प्रकार की प्रशासनिक लापरवाही से आया हो, परंतु अब ये गिनने का समय नहीं है, इससे बचने का समय है। ये जो समय है वो बताता है कि आपके यहां वायरस आ चुका है, लोग संक्रमित होने लगे हैं, और लोगों का संक्रमण धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये इस तरीके से इसका स्टेज है, ये यहां पे मिलना, मिलना और मिलने के साथ इस, ये थोड़ा सा इस स्टेज में जाना, थोड़ा सा उठ जाना, यानी कि थोड़ा डेंजर, और फिर और डेंजर स्टेज में आ जाना,
और ये जो स्टेज है ना, ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे बढ़ती जाती है ऊपर, और जो ये रेड लाइन आपको दिख रही है, यदि अगर ये ग्राफ यहां तक है, ये डेंजर अगर इस तरीके से बढ़ रहा है कि आप मेडिकल लाइन के नीचे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। बात ही गंभीरता को समझें, ये रेड लाइन वो लाइन है जहां पर मेडिकल्स के थ्रू आपको प्रिवेंट किया जा सकता है। लेकिन कई राष्ट्रों में, जैसे कि अमेरिका, चाइना, इटली, ईरान और न जाने कितने देश, जो भी आप ले सकते हैं नाम, तमाम सारे तो आपको मालूम है, वो स्टेज को क्रॉस कर गए हैं। यानी कि अब इसके बाद आपके हाथ से बात निकल जाएगी, वायरस जीत जाएगा, आप हार जाएंगे। हर चीज का एक सीमा होती है ऊपर उठने की, वायरस की भी है, और कुछ समय बाद वो डाउनफॉल में आएगा, लेकिन तब तक बचेगा क्या? हम हमारे देश में जो लॉकडाउन की स्थिति रखी गई है, वो स्टेज में रख दी गई है, यहां पर ये लॉक कर दिया गया है यहां पर। अभी हमारे पास इतना समय है प्रिवेंट होने का, लेकिन क्या करें, इसे हम लापरवाही के तौर पर माने या अवसर के तौर पर? अवसर के तौर पर माने, लापरवाही नहीं। अगर आप इसे लापरवाही मानेंगे तो निश्चित रूप से आप भी उसी देश में शामिल हो जाएंगे जो इस लाइन से ऊपर चले गए हैं। कई सारे देशों ने यहां पर लॉकडाउन किया, यहां लॉकडाउन किया, वो अच्छी बात है कि हमने स्वतः, किसी के कहने से ही सही, स्वतः अपने देश को लॉकडाउन किया, परंतु कुछ लोग अभी भी स्वयं को घर में लॉक नहीं कर रहे हैं। आश्चर्य की बात है ये, स्वयं को तो आमंत्रण दे ही रहे हैं आप स्वर्गवासी होने का, सब परिवार, परंतु पूरे भारत को भी दे रहे हैं। ऐसा मत करिए, हाथ जोड़ करके आप सबसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसकी गंभीरता को समझें और अपने कदम घर की दहलीज से बाहर न निकालें। हमें ये करने जाना है, हमें दवा लेने जानी है, हमें सब्जी लेने जानी है, ना करें, घर के अंदर रहें। सरकार सुविधाएं दे रही है, आप विश्वास रखिए। बहुत ज्यादा टीवी मत देखिए, सुबह से शाम तक एक ही चीज तो उसमें बता रहे हैं, इससे डिप्रेशन बढ़ जाएगा। इसका सदुपयोग करके इतना शांति का माहौल से कहीं नहीं मिलेगा। अपने घर में अपने आप को स्टडी रूम में बना लीजिए, इसके लिए बहुत आलिशान घर होने की जरूरत नहीं है। किसी एक जगह पर अपना स्टडी रूम बना लीजिए और वहां बैठ करके उतने घंटे स्टडी करिए जितने घंटे आप कोचिंग, ट्यूशन, इंस्टीट्यूट्स में जाते थे, ऑनलाइन पढ़ते थे। सिलेक्शन मेंटर की तरफ से आप लोगों को बैक टू बैक लगातार बहुत सारी क्लासेस प्रोवाइड कराई जानी शुरू करी जा रही हैं आज से शुरू करी जानी है दोस्तों। तो रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सब लोग मेरी कई बातों को मानेंगे, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करेंगे। आपको यदि अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है, किसी तरीके की संबंधित आपको लगता है कि शायद आपके अंदर वो लक्षण दिख रहे हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। और जो लोग स्वस्थ हैं और जितने लोग स्वस्थ हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि इस मैसेज को, इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए, बढ़ाइए, लोगों तक पहुंचाइए, मेरा संदेश लोगों तक पहुंचाइए और जुड़िए हमारे साथ, तैयारी करिए। रेलवे 2019-20 का जो ये एनटीपीसी, आरआरबी, CBT 1 जो होने वाला है, उसके लिए बहुत अच्छा अवसर अब मिल गया है। बहुत सारे लोग एक साल से प्रिपरेशन करके थक गए हैं, रिवाइज करने का इससे अच्छा समय नहीं है। प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करा रहा हूं, मैं खुद करा रहा हूं, आप जो उसमें आवाज सुनते हैं वो मेरी है। तो अब सबसे रिक्वेस्ट है कि लगातार अपना मन, अपना दिमाग स्थिर बनाएं, पढ़ाई पे लगाएं, आत्मचिंतन पे लगाएं, स्वयं को खोजने के, सोचने के लिए लगाइए, क्या कर सकते हैं आप। बहुत सारे लोग कहते हैं सर ये काम करने का हमारे पास समय, अब तो समय है,
ये काम कैसे करें, इसके सोचने का समय नहीं है, आप सोचिए, अब तो समय है, हमसे बात करिए। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, कोई भी परेशानी हो रही है हमसे संपर्क करिए, हम और हमारी टीम सिलेक्शन मेंटर आपके हमेशा साथ है और रहेगी, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारी बातों को मानेंगे। हम अपनी बात को यहां पर समाप्त कर रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो थम्स अप जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, स्टे एट योर होम, स्टे सेफ, थैंक यू।